हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो सेक्टर 4 से जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। करिश्मा, इस जिस बूथ पे आप खड़ी हैं वहां पर क्या माहौल, जो वोटर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, कितना उत्साह उनके अंदर? जी अमिता, इस वक्त हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो विधानसभा के आप सेक्टर 4 में मौजूद है। आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5 बूथ जो है वो बनाए गए हैं, 262 से 266 तक पर जो बूथ संख्या है वो आप देख पा रहे होंगे। और सुबह से जो मतदाता है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज मतदान होना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सुबह 6 बजे से जितने भी मतदाता है वो कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का यहाँ पर सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कई जगहों का मैंने खुद भ्रमण किया है, लोगों से मैंने बातचीत की है अमिता, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विकास के कार्य के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग जो है आज वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। हालांकि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बोकारो सेक्टर 4 है और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये लोग आज वोट करने के लिए पहुंचे। हालांकि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि और कई लोगों का ये भी कहना है कि सुबह 6 बजे से लोग इस वजह से भी आए क्योंकि अगर बात करेंगे बोकारो की तो यहाँ पर काफी धूप है और ऐसे में लोग चाह रहे हैं कि सुबह ही आकर वोट दे दें ताकि वो निश्चिंत हो जाए। ऐसे में कई लोगों से हम बातचीत करेंगे अमिता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दे पर ये लोग आज वोट करने के लिए पहुंचे हैं, किन मुद्दे पर आज वोट करने के लिए पहुंचे, क्या लगता है कितना विकास का कार्य हुआ है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, कहाँ घर हम लोग का टूट गया, कोई देखने तक नहीं आया। कोई भी योजना का लाभ मिल पा रहा है आप लोगों? क्या क्या मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है। और जिसको भी वोट करने के लिए पहुंची है कितनी उम्मीद रहेगी उनसे? अब आगे देखे। और भी लोग हैं, किन मुद्दे पर वोट करने आई हैं? हाथ छापे नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कि आप किसको वोट करने आई हैं, किन मुद्दे पर आई हैं, विकास का कार्य हुआ है? देखिए, अब कर तो रहे हैं, अब क्या कार्य होता है। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दे पर आज ये लोग वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत करेंगे। भैया, किन मुद्दे पर वोट करने के लिए पहुँचे हैं? देखिए, विकास और ये जो आपको काम होना चाहिए, अच्छा काम होता है, इसके लिए मैं वोट करने आया हूँ। ये बताइए, कितना विकास का कार्य हो पाया है धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? ऐसा तो कुछ ऐसा है नहीं, तो बाहर में दिखता है। कुछ योजना का लाभ मिल पाया है अभी तक आप लोगों को? ऐसा कुछ योजना का लाभ नहीं मिलता भाई, राशन वोशन किया और क्या। वो भी जीत कर आएंगे, उनसे कितनी उम्मीद रहेगी? देखते हैं क्या करते हैं, उम्मीद तो है बहुत सारा, अब उम्मीद क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। कितना विकास का कार्य हुआ है अब तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र? मैंने विकास का कार्य तो हुआ है लेकिन चेंज भी जरूरी है। फिलहाल तो बेसिक मुद्दा आपका बेरोजगारी और महंगाई ही है, सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है जो चरम सीमा पे चली हुई है। चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे। हालांकि देखिए, ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बूथ संख्या देखिए अमिता, ये 262 से शुरू है, 266 तक है, यानी कि 5 बूथ जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं, खूबसूरत तस्वीर है ये जो आप दिखा रही है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि महिलाओं को देख लीजिए, जो महिलाएं हैं जिन्हें घर में इतना काम होता है, सुबह सुबह एक मिनट की फुर्सत नहीं होती है, वो उनकी संख्या सबसे ज्यादा बूथों पर दिख रही है, कतार में सबसे ज्यादा महिलाएं वहां दिख रही हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, उनसे एक बार बात करिए। कहना है कि यहाँ से हम किसी से बयान नहीं ले सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। जितने लोगों से हमने बातचीत की उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि विकास का कार्य हद तक हो पाया है, बहुत हद तक विकास का कार्य जो है वो नहीं हो पाया है। और लोगों का कहना है कि वो बदलाव चाहते हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं के बारे में हमने जिक्र की, लोगों का कहना है कि कई योजना का जो लाभ है वो यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है लेकिन कई योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इनका कहना है कि जिसे भी हम चुनकर आएंगे हमें उम्मीद रहेगी कि वो अच्छे से कार्य करेंगे। जी अमिता, बिल्कुल, बदलाव की उम्मीद लेकर यहाँ वोटर्स हैं बूथों पर। और आज तमाम दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा, और इसकी जो चाबी है वो जनता के पास है। तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए करिश्मा, हमारे साथ लगातार राजकुमार भी बने हुए, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, अभी आप वहां तस्वीरें दिखा रहे थे, कई ऐसे बुजुर्ग महिला भी थी जो वोट डालकर बाहर निकल रही थी, बेहद ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। वहां जो वोटर्स हैं, क्या वहां पर किसी तरह की परेशानी हो रही है वोटर्स को, या फिर वहां की व्यवस्था से बहुत खुश हैं वोटर्स? देखिए, धनबाद में अगर हम बात करें तो धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से पहले से ही मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और जो धनबाद के वोटर्स हैं वो बेहतर माहौल में और बेहतर व्यवस्था के साथ मतदान कर सके, इसकी व्यवस्था धनबाद जिला प्रशासन की तरफ से करने की कोशिश की गई। अगर हम जिस बूथ पर अभी खड़े हैं, बूथ संख्या 285 है, 285 के अलावा कुल 5 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, 80 से लेकर 85 के बीच में यहाँ पर जो बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर अंदर में जो व्यवस्था है मतदान कर्मियों के लिए वो बेहतर व्यवस्था है, लेकिन जो लाइन में अगर क्यू में लगना पड़ेगा तो इसके लिए लंबी
की जो स्कूल का जो बरामदा है वो काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ पर इक्के दुके मतदाता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग हैं वो वोट देने के लिए धीरे धीरे निकलते हैं और कई लोग नहाने धोने के बाद ही मतदान करने के लिए निकलते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद में कई ऐसे बूथ हैं जहां पर कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने स्तर से वहां पर उसे सजाने का काम किया, वहां पर रेड कार्पेट बिछाए, वहां पर पानी ठंडे पानी की व्यवस्था करने की कोशिश की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पर पंखा की व्यवस्था की गई और मतदान कर्मियों को भी कोई परेशानी ना हो इसके लिए उनके लिए सोने के लिए तमाम जो बेड आदि है उसकी व्यवस्था वहां पर लोगों ने अपने स्तर से दिया। खासकर कुछ समाज सेवियों ने इसके लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। तो धनबाद में जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो व्यवस्था है वो बेहतर करने की कोशिश की गई है। और देख रही है हम अभी जिस मतदान केंद्र पर हैं यहाँ पर थोड़ी देर में धनबाद के स्थानीय विधायक राज सिन्हा मतदान करने के लिए पहुंचने वाले हैं और जब वो पहुंचेंगे तो उनसे भी हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यह जो पूरा जो धनबाद का क्षेत्र है वह मतदान के लिए और मतदान के पर्व में पूरी तरह से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब धनबाद में हम मतदान की बात करते हैं तो यहाँ पर नक्सली क्षेत्र को हम भूल जाएं ऐसा हो नहीं सकता है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कभी वोट बहिष्कार की बातें आती थी और नक्सली वारदात भी सुनने को मिलती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन तमाम घटनाओं में कमी आई है। और अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो इक्के दुक्के घटनाओं को छोड़ दे तो चुनाव में हिंसा नहीं के बराबर हुई है और नक्सलियों के वोट बहिष्कार का भी असर अब नहीं होता है। हालांकि इस बार वोट बहिष्कार की कोई जो पर्ची आदि है वो वायरल नहीं हुई थी। ऐसे में मतदाताओं का जो उत्साह है मतदान के प्रति और लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति बढ़ा हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि धनबाद में जो भी मतदाता है वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतदान कह सकते हैं यहाँ पर राजकुमार की चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हैं वो बेहद मुकम्मल की हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया एक भयमुक्त माहौल देने की कोशिश की गई है मतदाताओं को। और जब ये माहौल मिला है तब आप देखिए वोटर्स की संख्या कैसे भाग रही है, वोटर्स घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदाता घर से बाहर निकलकर इस भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी कोशिश है और ये कोशिश मुकम्मल होती दिख रही है, ये इससे भी अच्छी बात है।